आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोफेशन कहाँ से आ गया, पहले तो एज अ साइंस आना चाहिए, एज अ आर्ट आना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब हम देखेंगे आज का मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट का जो नेचर है इस पे दो क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने दोनों वीडियो को अलग अलग बनाया है जिससे आपको क्लियर हो सके। आज का मेरा वीडियो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जहाँ पे प्रोफेशन वर्ड की बात आती है आपको 11th का टॉपिक याद आ जाना चाहिए, जिसमें हमें बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन की क्या मीनिंग है। प्रोफेशन मीन्स ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड अ प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी लाइक डॉक्टर लॉयर सीए। प्रोफेशन एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को यदि डॉक्टर बनना है तो उसे स्पेशल नॉलेज गेन करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक नॉलेज गेन करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस गेन करनी पड़ेगी जिससे वो अपने फ्यूचर में डॉक्टर बन सके। यदि वो लॉयर बनना चाहता है तो लॉयर के लिए भी पर्टिकुलर डिग्री उसके पास होना चाहिए, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पास आउट करना चाहिए, उसके बाद ही वो अपने नाम के आगे लॉयर वर्ड लगा सकता है। सेम कंडीशन होती है सीए। कोई भी पर्सन यही सोच सकता है कि आज मैंने सोचा है कि मुझे कोई डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर का कोट वगैरह पहन के क्लिनिक खोल के बैठ जाऊं, हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं है। उसके लिए हमको हमारा लंबा टाइम ड्यूरेशन उस पर स्पेंड करना पड़ता है, किसके लिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए, स्पेशलाइज्ड डिग्री के लिए, जिससे हम उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है इसलिए मैंने ये डिग्री ली, मुझे लॉयर बनना है मेरे फ्यूचर में मुझे लॉयर बनना है इसलिए मैंने ये डिग्री ली, सीए बनना है तो सीए के लिए भी एक पर्टिकुलर नॉलेज गेन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम सीए लॉयर डॉक्टर बन सकते हैं, इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायर्ड होती है। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में हम लोगों को स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायर्ड होती है। अब हमने देखा कि प्रोफेशन के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, तो ही हम प्रोफेशन बन सकते हैं। अब हमें बात करना है कि क्या हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन है, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशन में क्या क्या फीचर्स है और हमारा मैनेजमेंट वहाँ पे कहाँ कहाँ फिट हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स को कंप्लीट करते हैं। जितने फीचर्स कंप्लीट होंगे उतना हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कहलाएगा, बाकी में नहीं कहलाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि हमारा मैनेजमेंट जो कि टोटली चेंजेबल होता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंजेबल है, इसके लिए हमारा मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन के बहुत से ऐसे फीचर्स है जो कि मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं करता है, हो सकता है आगे जाके हमारा मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन बन जाए, हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट में हम यही कहेंगे कि हमारा मैनेजमेंट टोटली फुल्ली प्रोफेशन नहीं है। अब हम एक एक करके प्रोफेशन के फीचर्स देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा मैनेजमेंट कहाँ उसको अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे फर्स्ट है इसमें मैनेजमेंट प्रोफेशन का सबसे फर्स्ट फीचर होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब इसके लिए आप यहाँ फर्स्ट वीडियो देखोगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसमें भी थ्योरेटिकल होता है, उसमें भी प्रैक्टिकल होता है और कंटिन्यूसली हम लोगों को उसमें स्टडी करनी पड़ती है जब जाके हम मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको डिग्री है तो ही आप जा रहे हो, इसके लिए हम लोग बताएंगे कि मैनेजमेंट भी यहाँ पे प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट करता है क्योंकि इसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे बीबीए के बाद में एमबीए होता है, यदि हमें मैनेजमेंट की लाइन में जाना है तो पहले बीबीए करना पड़ेगा फिर एमबीए करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसे कई बिजनेस स्टडी थिंकर्स ने या राइटर्स ने उसको एडॉप्ट किए थ्योरी को और एक सिस्टमैटिक वे में उसे आगे बढ़ाया है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट कंप्लीट करता है इसका प्रोफेशन का। अब हम बात करते हैं सेकंड फीचर की। सेकंड फीचर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में विदाउट एग्जामिनेशन विदाउट डिग्री एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। बिना हमारे पास डिग्री के हम किस कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, बिना हमारी डिग्री के हम लोग लॉयर नहीं बन सकते हैं, बिना हमारे पास सीए की डिग्री के हम लोग हमारे नाम के आगे सीए नहीं लगा सकते हैं, सीएस नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी डिग्री नहीं है। इसके लिए प्रोफेशन में आना है तो हमारे पास एग्जामिनेशन पास आउट करना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद
पास करना, तो प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग ये बात करते हैं कि कंपलसरी नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, आपके नॉलेज के थ्रू आप मैनेजमेंट फील्ड में आ सकते हैं, बट प्रेजेंट में बहुत से इंस्टीट्यूट या बहुत सी कंपनी जो डिग्री होल्डर्स होते हैं, जो एग्जामिनेशन पास आउट करते हैं, उन्हीं को प्रीफर करती है। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप मैनेजमेंट की फील्ड में नहीं जा सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। बट डॉक्टर में, लॉयर में, सीए में, मींस प्रोफेशन में इट इज कंपलसरी टू होल्ड डिग्री, कंपलसरी होगा पास आउट एग्जामिनेशन, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। तो इस कंडीशन को मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं करता है। हो सकता है आगे चल के हम लोगों के लिए एग्जामिनेशन पास आउट करना कंपलसरी हो जाए, हो सकता है आगे चल के हम लोगों के पास डिग्री होल्डर ही मैनेजमेंट की फील्ड में जा सके, बट प्रेजेंट में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट के साथ में नहीं है। तो हम यही बताएंगे कि सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन का, उसको मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड फीचर की, जिसमें आया है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन एक ऐसा बोर्ड होता है, एक ऐसी समिति होती है, एक ऐसा संघ होता है जो कि लॉयर, डॉक्टर, सीए या प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग हर डॉक्टर को डिग्री के साथ सर्टिफाई या सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको एक डॉक्टर बन सकते हो, अपना क्लिनिक खोल सकते हो, पेशेंट का इलाज कर सकते हो। तो इस प्रकार के एसोसिएशन होते हैं, जैसे कि लॉयर बनने के लिए एग्जामिनेशन पास आउट करने के बाद में, डिग्री पास आउट करने के बाद में आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या करते हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मेंबरशिप गेट करते हो। वैसे सीए के लिए आईसीएआई का फुल फॉर्म आता है इंस्टीट्यूट चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि मेंबरशिप देता है सीए को। थर्ड आता है मेडिकल के लिए होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जब कोई डॉक्टर बनता है, लॉयर बनता है, सीए बनता है, तो वहां पर हमें इन एसोसिएशन से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। मेंबरशिप के बाद ही हम हमारा प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट सर्टिफाइड, विदाउट सर्टिफिकेशन, वी कांट ओपन अवर पर्सनल क्लिनिक और पर्सनल सर्विसेस। सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब बात करते हैं इसी में मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में भी क्या ऐसा कोई एसोसिएशन है जहां से हमको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, या जो कंपलसरी है कि हमको मेंबरशिप के लिए बिना हम मैनेजमेंट की फील्ड में नहीं जा सकते? तो ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में एसोसिएशन है, बट हमको फॉलो करना या हमें मेंबरशिप लेना हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, कोई कंपल्शन ऐसा नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं मैनेजमेंट में सीएसआर। सीएसआर मींस होता है कॉर्पोरेटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी क्वालिटी पर अच्छा मटेरियल देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, एक इन्वॉल्वमेंट को प्रोटेक्शन देना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे बहुत से एक्ट बनाए गए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे टैक्सेशन हो गया, टैक्स देना एक, अब बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना, कंज्यूमर के साथ कहीं कोई भी इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के बहुत से एसोसिएशन क्या करते हैं, अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं जिसको फॉलो करना है, बट मैनेजमेंट पे ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं होती है कि उन सभी चीजों को फॉलो करे। जैसे अभी दिया है AIMA, जिसमें की ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसमें मैनेजमेंट की मेंबरशिप मिलती, बट इसमें मेंबरशिप लेना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन प्रोफेशन में मेंबरशिप लेना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर भी हो सकता है आगे चल के मैनेजमेंट में कंपलसरी हो जाए किसी भी चीज में, किसी भी एसोसिएशन से मेंबरशिप लेना, बट प्रेजेंट में कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर भी ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं करता है। इसके बाद आता है फोर्थ, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जब एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन क्या करता है, अपने रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने मेंबर से वर्क करवाता है। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, सीएस है, इन लोगों के लिए क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि एसोसिएशन बनाता है। एसोसिएशन क्या है, कमिटी है, एक सोसाइटी है जो कि इन चीजों को बनाती है, रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। इन रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उन्हें सभी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है? तो नहीं होता है। कभी मान लो कोई भी ऐसा प्रोफेशन में मेंबरशिप लेने के बाद में एक ओथ ली जाती है, जिसमें ओथ लेने के बाद में उन सभी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना कंपलसरी होता है। जैसे डॉक्टर के लिए होता है कि हर पेशेंट का इलाज करेगा, जैसे सीए के लिए होता है कि वो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है, जैसे लॉयर के लिए होता है कि वो कभी पार्शियलिटी नहीं करेगा,
तो इस प्रकार के जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ओथ होती है, कभी कोई भी मेंबर इस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है उस कंडीशन में उसकी मेंबरशिप ले ली जाती है। बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है जिसको फॉलो करना मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी। कोई रूल और रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाए हैं उसको तोड़ने पर, या जैसे अभी मैंने एक्ट बताया जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को फॉलो करना है, जैसे CSR को फॉलो करना है, तो इनको फॉलो करना है। बट इसमें कभी हमारे से कोई गलती हो जाती है, कोई रूल एंड रेगुलेशन को हम ब्रेक कर देते हैं तो हम पे पेनल्टी चार्जेस होते हैं। किसी प्रकार की कोई मेंबरशिप हमसे छीनी नहीं जा सकती, वापिस ली नहीं जा सकती है, लेकिन प्रोफेशन में ली जा सकती है। तो इस प्रकार से कोई भी हार्ड कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में फॉलो नहीं होता है। फिर देखते हैं फिर तो वाला सर्विस मॉडल मैनेजमेंट। इससे पहले हम प्रोफेशन की बात करते हैं। प्रोफेशन में जितने भी प्रोफेशनल वर्कर, जितने प्रोफेशनल इंडिविजुअल पर्संस होते हैं, उन लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट, उन लोगों का मेन मोटिव होता है सर्विस करना, सर्विस देना, सोसाइटी को बेटर प्रोवाइड करना, ये उनका मेन पर्पस होता है। जब वो मेंबरशिप लेते हैं उस टाइम पे उन लोगों को ओथ दी जाती है, वो सभी प्रोफेशनल्स को ओथ दी जाती है कि मैं सर्विस के सोसाइटी के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अर्निंग है। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी गई है? सोसाइटी को, सर्विस को, है ना। और उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी किसे दी गई है? अपने अर्निंग पर्पस को या अपने इकोनॉमिकल पर्पस को। डॉक्टर के लिए फर्स्ट है पेशेंट का इलाज करना, सेकेंडरी है फीस मैटर। लॉयर का फर्स्ट मैटर है किसी के साथ हो रहा है अन्याय को रोकना, सेकेंडरी मैटर होगा उसका अर्निंग करना। लेकिन हम जब मैनेजमेंट को यहाँ पर रखते हैं तो आप लोग ये जानते होंगे इलाके पार्ट्स में भी बिजनेस या किसी भी कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग, है ना। तो मैनेजमेंट क्या करता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट अर्निंग करता है। कैसे करता है? जब कोई भी कंपनी टारगेट देती है मैनेजमेंट को कि हमको 10% प्रॉफिट गेन करना है, तो उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट पूरा वर्क करता है। हमने पढ़े फंक्शन मैनेजमेंट के इसके पहले वाले वीडियो में कि मैनेजमेंट के फंक्शन है, उन फंक्शन को परफॉर्म करता है। क्यों करता है? जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनेजमेंट क्या करता है, उसका मेन मोटिव क्या हो गया? प्रॉफिट अर्निंग। क्योंकि हम लोगों ने इलाज में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस का मेन पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्निंग। उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होगा सोसाइटी, सेकेंडरी ऑप्शन होगा सोसाइटी। क्यों? उसका जैसे मैंने बताया CSR में उसका मेन मोटो है बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना, बट कहीं ना कहीं उसके पीछे भी उसका मेन मोटो क्या छुपा हुआ है? प्रॉफिट अर्निंग। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोफेशन के जो फीचर्स है और जो मैनेजमेंट के फीचर्स है उसमें से दो को छोड़ दे तो बाकी सभी अपोज में जाते हैं। अपोज में मीन्स अभी उनमें चेंजेस आना बचे हुए हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट देखा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यस मैनेजमेंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। रेसिकेटेड एंट्री, हमने देखा कि प्रोफेशन रेसिकेटेड एंट्री है बट मैनेजमेंट रेसिकेटेड एंट्री नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए। थर्ड हमने देखा प्रोफेशनल एसोसिएशन, हमने देखा कि दोनों में एसोसिएशन है बट मेंबरशिप लेना प्रोफेशन में कंपलसरी है जबकि मैनेजमेंट में कंपलसरी अभी तक नहीं है। कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैनेजमेंट में आने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ऐसा कोई भी फाउंडेशन नहीं है। फोर्थ देखा कोड ऑफ कंडक्ट, जब मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल एंड रेगुलेशन जो एसोसिएशन के द्वारा बनाए गए हैं उनको फॉलो करना कंपलसरी माना जाता है, जबकि मैनेजमेंट में जब हमें मेंबरशिप लेना हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है तो उनके रूल एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। और इससे रूल एंड रेगुलेशन को या कोड ऑफ कंडक्ट को हम ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हमें चार्जेस पे करना पड़ता है मैनेजमेंट में। बट जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारी मेंबरशिप हमसे छीन ली जाती है। एक डॉक्टर से मान लो कोई गलती हो जाती है तो उस पर केस चलता है, केस चलने के बाद में उससे डॉक्टर की डिग्री वापस ले ली जाती है, उससे मेंबरशिप वापस ले ली जाती है, वो इन फ्यूचर इलाज नहीं कर पाता है। फिर देखा हमने सर्विस मोटिव, हमने देखा सभी प्रोफेशन का मेन मोटो होता है सर्विस, मेन मोटो होता है सर्विस देना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करना, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है उसका अर्निंग करना। बट प्रेजेंट में हम देखते हैं मैनेजमेंट का मेन मोटो अर्निंग करना है। हम ये इलाज में ही पढ़ चुके कि बिजनेस किया ही जाता है इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, है ना। और हमने देखा भी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसलिए सर्विस इसका मेन मोटो मैनेजमेंट का है प्रॉफिट अर्निंग करना। इसलिए इसका रिजल्ट या कंक्लूजन यही आता है कि मैनेजमेंट नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, है ना।
हो सकता है आगे चलकर प्रोफेशन हो जाए, बट प्रेजेंट में ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा मैनेजमेंट का जो नेचर है इज अ प्रोफेशन देखा। क्वेश्चन आता है सीबीएसई में क्लियर क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन एक्सप्लेन इट। आप लोगों को प्रोफेशन की डेफिनेशन लिखकर इनके फाइव कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना है विथ मैनेजमेंट। पहले आपको ये बताना है प्रोफेशन कैसा है और फिर बताना है मैनेजमेंट वहाँ कहाँ फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसमें क्वेश्चन वन मार्क्स में भी आता है यस या नो में भी आता है। जैसे आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है सीबीएसई का 1 to 20 क्वेश्चन में क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट स्टडी आती है, तो उसमें वन मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इसकी टेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कभी आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।